देखिए जीत का श्रेय निश्चित ही, क्योंकि मैं बचपन बाल स्वयं सेवक रहा हूँ, तो सभी लोगों को साथ लेना, सभी लोगों के साथ कार्य करना, ऊपर मत रखो यार, क्योंकि पूरा संघ लगा हुआ था टिकट के लिए। माननीय हमारे दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, माननीय संतोष गंगवार जी, माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी, जितनी भी क्षेत्र की जनता थी, सब लोगों का इतना प्यार, इतने स्नेह था। आपने देखा होगा कि किस तरीके से इतना ध्रुवीकरण हुआ वोटों का, फिर भी कहीं कहीं बिल्कुल भी वोट नहीं थे, लेकिन दूसरे लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे दिया कि वो 23,000 से कोई पीछे चलता हो और फिर वो इतनी बड़ी जीत करता हो, बिना प्यार के तो नहीं हो सकता। क्या लगता है डॉक्टर, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अब? यार इतना ज़्यादा प्यार मिला आपका, किस तरीके से बदलाव, क्योंकि आप बहुत सर्जन भी हैं, किस तरीके से बदलाव लेके आएंगे समाज में और प्रदेश में? देखिए मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में मैं कार्य करता हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, आप लोग समझ सकते हैं, उतना प्यार वो लोग मुझे करते हैं, क्योंकि जिस हमारा जो भीतरी विधानसभा है कि थोड़ा सा दो भागों में करीब करीब बटा हुआ है, तो एक हिस्सा थोड़ा दूर है जो मुझसे हो सकता है उतना मुकाबले मेरे से जान पहचान ना रही, निश्चित ही वो 5 साल में मुझे इतना जानेगा कि भीतरी में कोई दूसरा लड़ने से पहले सोचेगा कि इलेक्शन लड़ना भी चाहिए। आपने एम्स की मांग उठाई थी जब आप बीच में बात करते थे, क्या बरेली के लिए एम्स की मांग दोहराएंगे? देखिए एम्स एक अलग विषय है, लेकिन ये जो हमारा बरेली है, यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे कार्डियक सर्जरी हो पाए, किसी का एंजियोग्राफी हो पाए। निश्चित ही गरीब जो रिक्शा चलाता है, भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड से उसको सुविधाएं दी हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही फ्लो में चला जाए सरकारी एक हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए जहाँ सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज हो, किसी को वेंटिलेटर पर रखना हो तो वहाँ पर वो अपना इलाज करा पाए। आयुष्मान के अलावा भी सरकारी उतनी अच्छी सुविधाएँ होनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।